चंद्रपुर में भी बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। वहाँ पर शफीक साहब जो वहाँ के एडिशनल कलेक्टर के तौर पे काम कर चुके हैं चंद्रपुर में और कलेक्टर होकर रिटायर हो गए, 84 साल के जवान हैं, वही गर्मजोशी के साथ काम करते हैं। और बाकायदा वर्कशॉप में वो शामिल थे, बैठे रहे। हम उनके तमाम स्टाफ का, प्रिंसिपल साहब का, साबिर साहब का मशकूर हैं, सबके, तमाम के, सबके नाम लेना तो मुमकिन नहीं है। चंद्रपुर के बाद हम नागपुर पहुंचे। नागपुर में मेरे मोहसिन, इससे पहले भी उन्होंने कई बार नागपुर में हमारे प्रोग्राम किए थे, जफर अहमद खान साहब, उन्होंने 4 स्कूल में प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए हमारे, अलमीन रब्बानी स्कूल और रब्बानी के अलावा इस्लामिया स्कूल, किदवाई स्कूल। बहुत ही अच्छे प्रोग्राम रहे, पहली बार इन स्कूलों में जाने का मौका मिला। उसके अलावा मौलाना इमरान साहब से भी मुलाकात हुई, और ख़ासकर डॉक्टर ज़ुबैर, पिछली दफ़ा उन्होंने मेरे दांत का ट्रीटमेंट किया था, वो भी हमसे मुलाकात करने के लिए आए। और नागपुर का दौरा बहुत ही शानदार रहा, और इस सफ़र में बहुत कुछ सीखने को मिला, और यही सीखना हमें तजुर्बेकार बनाता है। हमें बहुत कुछ ऐसा लगता है कि किन चीज़ों की हमें ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लकी हैं कि ये मौके हमारे हिस्से में आ रहे हैं, ये लम्हे हमारे हिस्से में आ रहे हैं, ये यादगार दिन है। औरंगाबाद में ख़ासकर जो हमने स्टोरी कवर की, दिल दहला देने वाली, 84 साल के असद साहब जो यतीम खाने में रुके हुए हैं, वहीं पर उनकी रिहाइश है। हम उन तमाम लोगों के मशकूर हैं जिन्होंने हमारे लिए बेहतरीन प्रोग्राम का इंतज़ाम किया, और अब हम यहाँ से, नागपुर से निकल चुके हैं। महाराष्ट्र का दौरा बहुत ही कामयाब रहा,